नमस्कार, जय गणेश। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का ये वीडियो है शनि चंद्र के विष योग के बारे में। कुंडली के दूसरे भाव, धन भाव, कुटुंब भाव, ये स्थान के अंदर, धन स्थान के अंदर शनि चंद्र का विष योग, चाहे ये युति से बनता हो, चाहे ये दृष्टि संबंध से बनता हो, कैसा फल देने वाला होगा, क्या है इसका निवारण, क्या है रेमेडीज, जानते हैं इसके बारे में। तो आपको बता दें कि ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि आधारित है। अब बात करते हैं विष योग के बारे में। विष माने जहर, विष माने पॉइजन। विष शब्द जो है ये संस्कृत शब्द है। तो विष योग बोलते हैं तो यानी कि जहर का कुछ, यानी कि पॉइजन का इफेक्ट होने की संभावना रहती है। तो पॉइजन तो जो होता है, जहर होता है, वो घातक होता है, मृत्यु करता है किसी भी प्राणी के लिए। विष पॉइजन जो है ना सिर्फ मनुष्य के लिए, बस कोई भी पशु पक्षी प्राणी जहर का भक्षण कर लेता है तो उसकी मौत हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है, या तो मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। मौत ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए, तो मृत्यु समान कष्ट मिल सकता है। तो क्या होता है शनि चंद्र की विष योग के कारण कुटुंब स्थान के अंदर, धन स्थान के अंदर? तो किस कितने प्रकार से विष योग धन स्थान के अंदर बनेंगे, पहले तो इसके बारे में जानते हैं। तो कुटुंब स्थान के अंदर शनि और चंद्र का संयुक्त कॉम्बिनेशन हो तो इसको विष योग बोलेंगे। अब चंद्र धन स्थान के अंदर है और शनि बारहवें स्थान के अंदर है, तो शनि महाराज की तीसरी दृष्टि धन स्थान के अंदर होगी, जिसके कारण दृष्टि संबंध से विष योग बनेगा। चंद्र धन भाव के अंदर है और शनि अष्टम स्थान के अंदर है कुंडली में, तो भी विष योग बनेगा। और दसवीं दृष्टि कहाँ से पड़ेगी? दसवीं दृष्टि जो शनि महाराज की पड़ेगी पंचम स्थान से। पंचम स्थान में शनि होंगे और धन स्थान के अंदर चंद्र है, तो दसवीं दृष्टि के कारण विष योग बनेगा। तो ये चार प्रकार से विष योग बनता है। इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल जो विष योग दो है, एक धन स्थान के अंदर संयुक्त कॉम्बिनेशन शनि और चंद्र का, और दूसरा भी पावरफुल विष योग बनेगा चंद्र इन द सेकेंड हाउस एंड सैटर्न इन द ट्वेल्थ हाउस। शनि महाराज बारहवें स्थान पे से जब तीसरी दृष्टि करेंगे, ये दृष्टि संबंध भी बहुत खतरनाक विषयोग करेगा, क्योंकि शनि की जो नज़दीक की तीसरी दृष्टि है इसमें बहुत ज़्यादा पावर होता है। तो ये दो विषयोग ज़्यादा भारी माने जाएंगे। हालांकि विषयोग तमाम जो हैं ये सब भारी हैं, लेकिन ये दो ज़्यादा भारी हैं। तो क्या करना है इसके निवारण के लिए, क्या रेमेडी रहेगी धन स्थान के विष योग के निवारण के लिए? तो धन स्थान में जब शनि चंद्र का विष योग बनता है तो उसमें खास करके महादेव की उपासना आपको ज़्यादा लाभकारी रहेगी। मृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम् यजामहे, ये मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये मंत्र आपको करना ना पॉसिबल हो, आपको नहीं, मतलब आपको बोलने में शूट नहीं होता है, मंत्र आप नहीं कर सकते हैं, तो आप सिंपल मंत्र करिए, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। और इसके अलावा आप तेल और पानी का रोज दान करें, कोई भी फॉर्म के अंदर। सिंपल दान है, तेल का दान जो खाने का, आपके प्रदेश में जो तेल यूज़ होता है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया के अंदर सरसों के तेल का होता है, वेस्ट इंडिया के अंदर मूंगफली का तेल यूज़ होता है, ऐसे साउथ के अंदर कोपरेल का तेल, नारियल का तेल यूज़ होता है। आपके प्रदेश के अंदर जो भी तेल खाने में यूज़ करते हैं, ऐसे तेल का आप दान करें। पेड़ पौधों में पानी पिलाएं, पशु पक्षियों को पानी पिलाएं, गरीब लोगों में पानी पिलाएं, पानी का दान करें। तेल और पानी के संयुक्त दान से शनि और चंद्र के विष योग की शांति होती है। इसके अलावा आपको मंत्र करना है मैक्सिमम ओम नमः शिवाय। रत्न आप कौन सा धारण कर सकते हैं ये तो आपकी कुंडली को देख के ही पता चलेगा, क्योंकि
बिना कुंडली देखे एडवाइजेबल भी नहीं है। तो यदि आप अपना पर्सनल कुंडली होरोस्कोप कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है। नंबर इस प्रकार है 9998011838, यानी कि 9998011838। अब जहाँ भी रहो खुश रहो, प्रसन्न रहो, हेल्दी रहो, ऐसी शुभकामना के साथ मिलेंगे नए वीडियो में जल्दी ही। जय गणेश।